हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ इज यू? जैसा कि मैं बढ़िया, तो मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जॉन लोकेंद्र सिंह पर। और गाइस, आज हम बहुत शानदार पोइम पढ़ने जा रहे हैं, विलियम शेक्सपियर की पोइम। और 15 नंबर पोइम जो 12th की रेनबो बुक से है गाइस, याद रखना है। और शानदार पोइम में से एक पोइम है, क्योंकि इसका जो पोएट है जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है सबसे शानदार पोएम्स लिखने के अंदर। उसके लव स्टोरीज भी काफी हद तक अच्छी होती है, और सबसे अच्छे पोएम्स बनाता है जिनमें कोई ना कोई हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई प्रभाव होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। काफी शानदार पोएम है, ध्यान दीजिए। आज की जो पोएम है मेरी, उसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। सेवन एजेस ऑफ मैन, सेवन एजेस ऑफ मैन शानदार पोइम में से एक है, जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर, ठीक है गाइस, विलियम शेक्सपियर, देखो गाइस, विलियम शेक्सपियर जो है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट राइटर्स या पोइट्स में से एक पोइट है, वर्ल्ड के अंदर फेमस है, तो काफी ज्यादा महान नहीं है। और इसकी जो पोएम है जो हमें पढ़ने के लिए मिली है, और हम इसको काफी शानदार इजीली तरीके से पढ़ेंगे, नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। एजेस को गाइस आप यहाँ स्टेज भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टेजेस, स्टेजेस, ठीक है। एजेस होती है उम्र, एजेस क्या होती है, उम्र, उम्र कह सकते हैं या अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो अवस्था हो जाएगा सात अवस्थाएं, आदमी की सात अवस्थाएं, आदमी जो है वो अपने लाइफ के अंदर सात अवस्थाएं जी पाता है, उसकी किस प्रकार से टैली है, स्टेजेस, हम स्टेज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेज, ठीक है। तो वो स्टेजेस जो हैं वो कितनी हैं, सात स्टेजेस, सेवन स्टेजेस बताई गई। तो वो सेवन स्टेजेस क्या हैं, किस प्रकार से एक आदमी संसार के अंदर आता है और किस प्रकार से वो विदा होता है, वो चीज हमारी किसके अंदर आती है, सेवन एजेस ऑफ ए मैन। एक आदमी जो यहाँ जन्म लेता है उसके पास में उसकी सात अवस्थाएं होती है, याद रखना है, और काफी शानदार पोइम है, तो ध्यान दीजिए। देखो कह रहा है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। अबाउट द पोइम में मैं आपको बता दूं कि ये पोइम जो है वो आदमी की सात अवस्थाओं के ऊपर आधारित है, उसकी सेवन स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है हमारा पॉइंट यहाँ पर। वो बताता है किस प्रकार से कौन सी अवस्था के अंदर जो मैन है उसकी क्या एक्टिविटीज होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से अपने लाइफ को स्पेंड करता है, वही चीज जो है वो सेवन स्टेजेस में पड़ी, वो पार्ट है सेवन स्टेजेस, वही कहलाते हैं सेवन एजेस ऑफ मैन, याद रखना आपको। तो देखिए, All the world is a stage. Guys, S लगा हुआ है, तो इस S apostrophe with S को हम लिखते हैं is. क्या लिखते हैं? Is. All the world is a stage. इस संपूर्ण संसार जो है, ये पूरा संसार जो है, वो एक स्टेज है। स्टेज होता है रंगमंच। रंगमंच आप सब जानते हैं, रंगमंच, ठीक है। रंगमंच क्या है कि जहां पर हमारे एक्टर्स, हमारे हीरो हीरोइंस परफॉर्म करते हैं, है ना, चढ़ करके परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे ड्रामा प्ले करते हैं, बहुत सारे मूवीज स्क्रीन्स बहुत सारे चलते हैं, तो वो रंगमंच स्टेज है। तो पूरे संसार को, ये पूरा जो वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज बता रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं, स्टेज बता रहे हैं गाइस, ठीक है। देखो, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, मतलब इस संसार की तुलना करवा रहे हैं, क्या करवा रहा है, तुलना करवा रहा है संसार को, ही क्या कह रहा है, तुलना तो करवा रहा है, लेकिन कह रहा है, नाम ही दे रहा है कि पूरा संसार ही एक स्टेज है, इस पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज बता रहा है, ठीक है, रंगमंच बता रहा है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन्स मेयरली प्लेयर्स, और यहाँ केवल सभी व्यक्ति और औरतें वो केवल मात्र प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स मतलब अपना रोल अभिनय करने वाले अभिनेता है, हम सब अभिनेता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो नर हो, ठीक है, दोनों चीज, दोनों जो है वो क्या है यहाँ पर, अभिनेता है, जो अपना अपना रोल अदा करते हैं। दे हैव देयर एग्जिट, यहीं पर उनका एग्जिट है, एंड देयर एंट्रेंसेस, मतलब इस संसार के अंदर ही वो प्रवेश करते हैं, और इसी संसार से वो एग्जिट निकल जाते हैं, यहीं से उनका निकास होता है और यहीं से वो प्रवेश करते हैं, इसी संसार में वो जन्म लेते हैं और इसी संसार से वो विदा हो जाते हैं। एंड वन मैन, और एक आदमी इन इज टाइम, अपने जीवन के अंदर प्लेज मैनी पार्ट, बहुत सारे रोल अदा करता है, मैनी पार्ट, बहुत सारे अलग अलग अभिनय करता है,
हिज एक्स, उसके जो एक्स है, एक्स बोलते हैं कार्य, एक्स क्या हो गया कार्य, याद रखना आपको एक्स, ठीक है, एक्स को बोलते हैं कार्य या काम, ठीक है, उसकी ये एक्टिविटीज, उसके ये एक्स जो हैं, आर बीइंग सेवन एजेस, उन्हें ही कहा गया है, उन्हें ही नाम दिया गया है सेवन एजेस, जो हमारी पोयम का नेम है, टाइटल हमारी पोयम का सेवन एजेस, कि आदमी यहां पर अलग अलग एक्स करता है, उन्हीं एक्स को नाम दिया गया है सेवन एजेस का। देखिएगा गाइस, एट फर्स्ट, पहली दफा, एट फर्स्ट पहली बार गाइस, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन लाइनों का थोड़ा सा सारांश बता देता हूं कि यहां दो चीजें काम कर रही हैं, ठीक है, एक होता है हमारे जो हम पढ़ते हैं, एक तो सिमिली होता है गाइस, याद रखना आपको, एक तो सिमिली बोलते हैं और एक को बोलते हैं मेटाफर, ठीक है, ये दोनों हैं जो मेरे इसके पार्ट हैं, लिटरेरी टर्म्स के पार्ट है, वैसे ही लिटरेरी पॉइंट्स के अंदर आते हैं, लिटरेरी पॉइंट्स का पार्ट है, लेकिन हम लिटरेरी टर्म्स में इनको पढ़ते हैं, सिमिली हुआ मेटाफर, सिमिली को गाइस बोलते हैं सिमिली प्लस मेटाफर, मेटाफर को ज्यादा रूपक है ना, और सिमिली होती है उपमा, सिमिली क्या होती है उपमा, कि उसके समान दिखाया जाए तब तो उपमा दी जाए, और मेटाफर बताया जाए मतलब उसको रूप बताया जाए, सॉन्ग आते रहते हैं हमारे बहुत सारे, है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, मतलब चांद के समान है, चांद की तुलना करवा रहा है चेहरे से, ठीक है, तब तो कौन सी हो जाएगी उपमा, और अगर रूप भी बता दिया जाए, उसका रूप ही बता दिया जाए, तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपको समझना है कि उस लड़की की चोटी नागिन के जैसी है, लड़की की चोटी नागिन के जैसी, इसका मतलब हुआ कि लड़की के बाल बहुत लंबे हैं, या हो सकता है कि उसके बाल बहुत काले हैं, ठीक है, और एक कहा जाए कि पहाड़ी की चोटी में नागिन, इसका मतलब हुआ कि पहाड़ी की चोटी में वास्तव में नागिन बैठी हुई है, तो एक तरफ तो कंपेयर करवा रहा है, एक तरफ तो तुलना करवा रहा है, और एक तरफ उसका रूप बताया जाता है, तो ये चीजें यहाँ पर उसकी कंपेरिंग नहीं हो पा रही है, यहाँ पर सीधा मेटाफर को शुरू करना है, आपको याद रखना है, ठीक है, देखिए एट फर्स्ट, सबसे पहली अवस्था द इन्फेंट, छोटा सा शिशु, इन्फेंट बोलते हैं शिशु को, जब वो जन्म लेता है, जन्म लेने की उसकी अवस्था जो होती है वो गाइस कहलाती है इन्फेंट, छोटा सा शिशु, म्यूलिंग, म्यूलिंग कराता है, रोता है, चिल्लाता है, चींची करता है, ठीक है, एंड पकिंग, और उल्टिया करता है, जब उसको दूध पिलाया जाता है, जब उसकी माँ का दूध उसे पिलाया जाता है तो वो उल्टिया कर देता है, इन द नर्स आर्म, उस धायमा की गोद में, नर्स की गोद के अंदर, जो नर्स उसे दूध पिलाती है, जो उसे गोद में लेती है, वो रोते हुए चिल्लाते हुए अपना दूध बाहर उड़ेल देता है, बाहर निकाल देता है, देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद उसकी दूसरी अवस्था शुरू होती है, जब वो एक शिकायत करने वाला बच्चा बन जाता है, स्कूल जाने वाला बच्चा बन जाता है, विनिंग, विनिंग का मतलब होता है शिकायतें करने वाला, बड़बड़ाने वाला, कि जब उसको स्कूल के लिए भेजा जाता है घर से, बड़ी मुश्किल से तो उसको निकाला जाता है, और रास्ते में वो अपने आप से शिकायतें करता हुआ जाता है, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, और उसे बहुत सारी शिकायतें उसके मन में चलती रहती है कि घर वाले मुझे तो स्कूल ट्रांसफर कर देते हैं, स्कूल भेज देते हैं और खुद घर पे रहते हैं, उसकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं। देखो वेर इज स्केचल, स्केचल होगा थैला, अपने थैले को टांग करके, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, और ऐसा मानो उसका चेहरा चमकता हुआ होता है, शाइनिंग मॉर्निंग फेसेस मतलब चेहरा चमकता हुआ सूर्य के समान, सूर्य के समान उसके चेहरे पर लाली होती है, और क्रीपिंग लाइक स्नेल, घूंगे की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ता है, गाइस वो अपनी अनिच्छा से स्कूल जाता है, उसको जबरदस्ती स्कूल के लिए रवाना किया जाता है, तो स्कूल की तरफ बढ़ता है बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए, क्रीपिंग लाइक स्नेल, लाइक आ रहा है, सिमिली का प्रयोग हो रहा है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, लाइक घूमते हुए मतलब धीरे धीरे ऐसे रनिंग, बहुत स्लोली स्लोली, जिस प्रकार से एक लकड़ी के ऊपर घूंगा रहता है वैसे ही एक बच्चा अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है, अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली अनिच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं जाता है वो, उसे दूसरों की इच्छा से स्कूल भेजा जाता है, वो अपनी अनिच्छा से स्कूल की तरफ बैठता है, एंड देन द लवर, और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आती है जब वो कॉलेज में जाता है, एक लवर बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, गीत गाता है, सॉन्ग गाता है अपनी महबूबा के लिए, देखो, एंड देन द लवर शाइनिंग लाइक फर्नेस, फिर वापस से लाइक का प्रयोग हो रहा है बाकी के अंदर सेंटेंस के अंदर, शाइनिंग लाइक फर्नेस, आग की भट्टी की तरह तपता है, अपनी महबूबा की याद के अंदर तपता रहता है आग की भट्टी की तरह, एंड विद ए वॉफुल बॉन्ड, और उसकी जुदाई के गीत गाता है, सैड सॉन्ग गाता है उसके जुदाई के, ठीक है, उसको याद करके उसके प्रेम में गीत गाता है, मैड इज मिस्ट्रेस आई ब्रो, अपनी
महबूबा की आईब्रोज को याद करके, उसके चेहरे को याद करके उसकी जुदाई में गाने गाता रहता है। तो गाइस इस प्रकार से मेरी तीन अवस्थाएं पूरी होती है, पहली अवस्था इन्फेंट, दूसरा स्कूल बॉय और तीसरी लवर, देन एंड देन ए सोल्जर। अब गाइस उसकी अवस्था आती है जब वो एक सोल्जर बन जाता है, जब वो एक सैनिक बन जाता है, उसकी चौथी अवस्था शुरू हो चुकी है। याद रखो सैनिक मतलब जरूरी नहीं होता कि सबकी किस्मत में आर्मी में जाना लिखा होता है या पुलिस की नौकरी लिखी होती है, लेकिन वो काम करने वाला इंसान बन जाता है, इसलिए उसको सोल्जर की तुलना की गई है कि वो चौथी अवस्था में प्रवेश करता है। जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो कॉलेज से निकल जाता है, तो वो कैसी अवस्था में आ जाता है? सोल्जर की अवस्था में आ जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेस, वो पूर्ण रूप से शपथ से भरा हुआ रहता है और कसम लिए हुए वो अपने काम के प्रति निष्ठ होता है। एंड बियर्ड टाइप द पार्ट, और तेंदुए की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, मतलब उसकी जो शेविंग है, उसकी जो बियर्ड है, बियर्ड होते हैं दाढ़ी, उसकी जो दाढ़ी है वो एक तेंदुए की तरह, लेपर्ड, लेपर्ड होता है तेंदुआ, तेंदुए की तरह बड़ी बड़ी होती है। जैसी दौरा अपने सम्मान के अंदर जलता रहता है, अगर उसे कोई कुछ कह देता है तो अपने स्वाभिमान के कारण कुछ सुनता नहीं है। सडन एक क्विक इंक्वायरल, एक छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, सडन अचानक से तैयार रहता है क्विरल झगड़ा करने के लिए। सिकिंग द बबल रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत होती है वो पानी के बुलबुलों के समान होती है कि जो क्षण भर की होती है, जिस प्रकार से बारिश होती है तो बारिश के अंदर एक बुलबुला बनता है पानी गिरते ही, और वो बुलबुला बहुत जल्द ही फूट जाता है, वैसी उसकी अवस्था होती है। उसकी जो अवस्था के अंदर उसकी रेपुटेशन है, उसकी इज्जत है, उसको वैसा बताया गया है। देखिए इवन इन द कैनन माउथ, अपनी इज्जत के लिए अगर उसे कैनन के मुंह में जाना पड़े, कैनन होती है तोप, कैनन बोलते हैं तोप को, वो तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार होता है। अपनी अवस्था ऐसी है उसकी कि उसको शपथ होती है, उसको अपने अंदर स्वाभिमान होता है अपने लिए, और हर चीज के लिए कॉन्फिडेंस होता है, तो वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार होता है, और उस काम को पूरा करने के लिए चाहे उसे भले ही कितना भी संघर्ष करना पड़े वो उसके लिए तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, ओहो फिर उसकी पांचवी अवस्था आती है जब वो एक न्यायिक बन जाता है। न्यायिक का मतलब जरूरी नहीं है कि न्याय करने वाला बनता है, नहीं, उसकी जो ये अवस्था कंप्लीट हो जाती है तब वो लोगों को सजेशन देना सीख जाता है, क्योंकि उसे हर चीज का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। गाइस नेक्स्ट देखिए, एन फेयर राउंड बेली, और अब उसके तोंद आ जाती है, पेट जो है उसका वो काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब वो काम करता था तब उसकी ऐसी अवस्था नहीं थी, लेकिन जब वो न्यायिक की अवस्था में आ जाता है उसका पेट जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। बैली राउंड गोल गोल पे, विद ए कैप ऑन गुड लाइन, विद आई सेवर्ड एंड बियर्ड फ्रॉम फॉर्मल कट, अब उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है और उसकी दाढ़ी जो है वो एकदम फॉर्मल कट में आ जाती है, उसे काफी छोटी करवा लेता है। देखिए नेक्स्ट, फुल ऑफ वाइज साज, बड़े बड़े उदाहरण देता है, बुद्धिमानी भरे हुए बातें करता है, बुद्धिमानी भरी हुई बड़ी बड़ी बातें करता है, बुद्धिमानी भरी हुई। एंड मॉडर्न इंस्टांस, और अलग अलग नए तौर तरीके सिखाता है दुनिया को, दुनिया को बहुत सारे तौर तरीके बताता है वो, देखो। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वो अपना रोल अदा करता है। द सिक्स एज शिफ्ट्स, अब गाइस सबसे दयनीय स्थिति आ जाती है, मेरी छठी अवस्था शुरू हो चुकी है गाइस, याद रखना है, छठी अवस्था जब उसकी बदल जाती है इनटू द लीन, कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। एंड स्लीपर पैंटालून, और चप्पल पहनने लग जाता है, स्लीपर पैंटालून चौड़े पजामे वाली है ना पैंट पहनता है, और एक काफी जो लोअर की तरह आता है वैसा लोअर पहनता है, और चप्पल पहनता है सिंपल वाली विद स्पेक्टेस, उसका चश्मा ऑन नोज, नाक पर आ जाता है। इस समय उसकी अवस्था ऐसी होती है कि बड़ी बड़ी मतलब ऐसे चप्पल पहनता है फॉर्मल, और उसके अलावा बड़ा सा लोअर पहनता है काफी ज्यादा कपड़े वाला, और उसके अलावा उसका जो चश्मा है वो उसकी नाक पर आ जाता है। एंड नोज एंड पोच ऑन साइड, और उसके दोनों तरफ पोच, पोच का मतलब होता है लटके हुए रहना, चश्मा दोनों तरफ लटकने लग जाता है। His youthful horse well served a world too wide for his rank sand. अब उसकी जवानी के जो मोजे थे, मतलब जवानी के जो हर चीजें होती हैं, वो अब सिकुड़ने लग जाती हैं, मतलब वो काफी लूज हो जाती हैं। Had his big manly voice turning into a twat childish treble pipe. और उसकी भारी भरकम आवाज जो थी अब एकदम कैसी हो जाती है, पतली आवाज हो जाती है, एक छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह से सीटियां बजने लगती हैं, जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा बोलते हुए हकलाता है या उसकी हवा निकलती है मुंह से, तो वैसे ही अब उसकी अवस्था आ जाती है।
टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेवल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड। अगली बात कि उसकी बोलने की आवाज के अंदर साउंड निकलने लग जाता है, स्लिंग सिटी का साउंड आने लग जाता है। लास्ट सीन ऑफ ऑल और सबसे अंतिम स्थिति यही है दैट एंड इज स्टैंड्स रेडफुल हिस्ट्री। दोस्त की एक लास्ट हिस्ट्री बनकर के रह जाती है जो हमेशा मेमोरेबल होती है, याद करने योग्य होती है, याद रखने योग्य होती है। His second childness and mere observation. ये मान लो कि उसका दूसरा बचपन आ जाता है। Guys, compare करवा रहे हैं दूसरे बचपन से। बुढ़ापे की अवस्था को दूसरा बचपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब चीजें छोटे बच्चे की तरह हो जाती है, उसकी याददाश्त वीक हो जाती है। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को बार बार समझाना पड़ता है वैसे बुढ़ापे के अंदर उस व्यक्ति को बार बार वो चीजें याद दिलानी पड़ती है और एक बच्चे की तरह उसकी आवाज हो जाती है, एक बच्चे की तरह उसकी सीटियां निकलती है मुंह से। नेक्स्ट देखिए, इन सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्जर्वेशन सेंस टीथ, उसके दांत गिर जाते हैं। छोटे बच्चे के दांत नहीं होते मुंह में, वैसे उस बुढ़ापे के अंदर उसके दांत गिर जाते हैं। सेंस आईज, उसकी आंखें भी चली जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। सेंस टेस्ट, टेस्ट भी पता नहीं रहता है क्या खा रहा है, कुछ भी खिला दो उसको टेस्ट का पता नहीं होता है। सेंस एवरीथिंग, और इस प्रकार से वो अपना सब कुछ खो देता है और उसकी सातवीं अवस्था पूरी हो जाती है। गाइस, शानदार अवस्थाएं हैं और सबसे अच्छी पोइम है, और जो विलियम शेक्सपियर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। नाम दे रखा है सेवन एजेस ऑफ मैन, सेवन स्टेजेस कह सकते हो, ये आदमी की सात अवस्थाएं हैं और इस प्रकार से मेरी पॉइंट पूरी होती है। थैंक यू गाइस फॉर सेइंग मी दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन लोकेंद्र सिंह। धन्यवाद।